आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र विवाद के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे और माफी मांगने के लिए आज हरमिंदर साहब की सेवा की। अरविंद केजरीवाल ने स्वर्ण मंदिर के लंगर हॉल में बर्तन साफ किए। उनके साथ आप नेता आशीष खेतान और संजय सिंह के अलावा कई नेताओं ने भी बर्तन साफ किए। हालांकि सेवा देने के लिए केजरीवाल ने जिन बर्तनों को साफ किया वो पहले से ही साफ थे। दरअसल लंगर का समय न होने के चलते वहां साफ बर्तन ही रखे थे, जिसके चलते केजरीवाल ने साफ बर्तनों को दोबारा धोया। सेवा करने के बाद हरमिंदर साहिब से बाहर निकलकर केजरीवाल ने घोषणा पत्र में हुई गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि उनसे अनजाने में गलती हुई है। तो स्वर्ण मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल और वहां पर कार सेवा की। आपको बता दें कि घोषणा पत्र विवाद पर माफी मांगी है अरविंद केजरीवाल ने और साथ ही साथ वहां बर्तन भी धोए। आपको बता दें कि आगामी साल में पंजाब में चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं उसकी भी एक कवायद है। तो बर्तन धोकर माफ़ी मांगी अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि अनजाने में हुई थी गलती। आपको बता दें कि अमृतसर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल और हरमिंदर साहब में उन्होंने मत्था टेका है और साथ ही साथ बर्तन धोकर उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी है और उनके साथ संजय सिंह भी वहाँ मौजूद थे। तो अनजाने में हुई गलती की माफ़ी मांगी अरविंद केजरीवाल ने और साथ ही साथ स्वर्ण मंदिर पर मत्था टेका। यूथ मैनिफेस्टो जारी करते वक्त अनजाने में हम लोगों से कुछ गलतियां हो गई, उसी की क्षमा याचना के लिए दरबार साहिब पे हम लोगों ने सेवा दी है। सेवा देने में मन को बहुत शांति मिली और उसके बाद दरबार साहब में हम लोगों ने मत्था टेका और उसमें हमें बहुत शांति मिली।